दोस्तों यहाँ पे मैं आया हूँ मोटरोला के सर्विस सेंटर। आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और मोटरोला का आपको ऊपर लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको लोगो मोटरोला का। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरे फ़ोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आई थी और यहाँ पे उन्होंने मेरे को टाइम दिया था 5 दिन और मैं यहाँ पे आया हूँ 7 दिन बाद। तो मैं आपको इनकी सर्विस बताऊँगा मुझे कैसे लगी। तो पहला बैड एक्सपीरियंस तो यही होगा था, इन्होंने मुझे 5 दिन दिए एक चार्जिंग पॉइंट के लिए। तो चलिए अंदर चलते और मैं आपको बताता हूँ कि इनकी सर्विस मुझे आगे से कैसी मिली और मैं आपको इनके बारे में आगे और बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ। सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं मोटरोला के सर्विस सेंटर से बाहर निकला हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मोटरोला के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को उन्होंने 5 दिन दिए थे जो कि एक बैड एक्सपीरियंस है। मैं खुद बोलता हूँ 5 दिन नहीं देने चाहिए कस्टमर को, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने मेरे को 5 दिन दिए थे तो उन्होंने इसका रीज़न मैंने आज पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा 5 दिन सर हमने आपको इसलिए दे थे क्योंकि GST के चक्कर में इनके बिल वगैरह इन्वॉइस वगैरह का चक्कर होता बोले कट नहीं रहे थे, तो इन्होंने मेरे को 5 दिन दिए। हालांकि ये कहते हैं कि 2 से 3 दिन में फोन को दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं फोन अभी बिल्कुल दे दिए इन्होंने और इसका मदरबोर्ड चेंज कराया इन्होंने, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट में दिक्कत थी और इन्होंने पूरा मदरबोर्ड चेंज कर दिया है। हालांकि मुझे हर जगह से सर्विस सेंटर से अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस मिली है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। 5 दिन जरूर लिए इन्होंने लेकिन मेरे फोन को ठीक करके इन्होंने दे दिया है, मदरबोर्ड चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जरूरी नहीं है, इतने सारे आप पीछे लोग देख सकते हैं भीड़ है यहाँ पे काफ़ी, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे परेशानी हो रही है और वो इनसे काफ़ी बैड एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मतलब मेरा एक्सपीरियंस आप देखें मेरे को क्या मिला है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे सर्विस सेंटर में आपको अच्छी परफॉर्मेंस ही मिलेगी, आपको इससे अच्छी सर्विस मिलेगी, बस मैं आपको बता सकूँ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ठीक ठाक था, लेकिन उन्होंने मेरे से 5 दिन लिए वो मुझे बहुत ही बेकार लगा। तो यहाँ पे अब मैं कुछ लोगों से बात करूँगा और उनसे पूछ के देखूँगा कि उनको कैसा एक्सपीरियंस मिला था, कि आप लोगों को समझ हो जाए मोटरोला फ़ोन लेना चाहिए लेने को फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने सर्विस देखी है, यहाँ पर बहुत बुरा हालत है, बहुत से लोगों की बहुत बुरी हालत है। तो आप उनका रिव्यू देख लेना, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना आपको फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम कुमार, आप बता सकते हैं कैसी सर्विस मिली आपको? बिल्कुल घटिया सी, घटिया सर्विस मिल रही है। ऐसा क्या है सर, मतलब आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ? ना किसी डील कर रहे हैं, अच्छा ना किसी तरीके की और कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगली बार आइए अगली बार आइए। मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या थी फोन में? मेरे फोन में एक स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो ये जो स्क्रीन है ना ये कभी भी हैंग हो जाती है। और ये वारंटी में? हाँ वारंटी तीसरे महीने में दिया। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं कर रहे? पोस्ट के बाद ना अभी तो डील करेंगे, मतलब डील ही नहीं कर रहे आपको, ठीक से हैंडल नहीं कर रहे आपका कहने का मतलब। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को तो एक अच्छी सर्विस मिल गई थी लेकिन इनको नहीं मिली है। तो ऐसे ही अभी और भी कुछ कस्टमर आएंगे उनसे मैं बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि इनको सर्विस कैसे मिली। और आपका नाम क्या सर? तो सर आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपका मतलब एक्सपीरियंस क्या रहा था? कुछ नहीं, मैंने तो न्यू खरीदा था, ठीक बोलो न्यू खरीदा था ये। हाँ तो मैंने बैटरी प्रॉब्लम हुई थी 73 के बाद 5 घंटे बाद यूज ना करा मैंने। ओके आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मतलब आपको ठीक से हैंडल नहीं करा लोगों ने और वारंटी होने के बाद भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा। हाँ कह रहे हैं कि आपके बिल पे EMI नंबर शो नहीं करा रहा है। ओके तो ये आपने ऑनलाइन लिया था? हाँ। कौन से साइट से लिया था? अमेजोन से लिया था। ओके तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इनका MI नंबर शो नहीं हो रहा है इनके सॉफ्टवेयर में, तो आपका फ़ोन मतलब ये ठीक करके नहीं दे रहे, इनका कहने का मतलब यही है ठीक से हैंडल नहीं कर रहे इसको। तो आप देख सकते हैं एक और कस्टमर मिला है जो कह रहा है इसका बैड एक्सपीरियंस है, यानी इसका
सर्विस में यहाँ पे एक दो अच्छी सर्विस नहीं मिली है। कह रहे हैं कि अमेजोन से अपना जी मैं नंबर स्किल करा दोबारा तब कल आना, फिर कल मैं अपना टाइम वेस्ट कर लूँगा। तो ऐसा कहने के थैंक यू सर बताने के लिए अपना एक्सपीरियंस। आप आ सकते सर, आपका नाम क्या है? तो सर आप मेरे को बता सकते हैं क्या मतलब आपको एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपका? माई एक्सपीरियंस वॉज नाइस। ओके सर्विस फॉर दिस इज माई सेकेंड विजिट, माई फर्स्ट विजिट वॉज ओके बट दिस इज नॉट दैट गुड बट स्टिल ओवरऑल एक्सपीरियंस इज नाइस। ओके आप कहना चाहते हो मतलब ठीक ठाक है अभी तक आपका, ये सेकेंड विजिट है आपकी सेकेंड प्रॉब्लम है, मतलब पहली बार आए थे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके ओके तो मतलब आपका कहना क्या मतलब ठीक ठाक है आपको, मतलब आपके हिसाब से मतलब ओवरऑल सब कुछ सही है? इट कंसर्न मोटोरोला इज गुड, आई कांट से अबाउट लेनोवो बिकॉज़ आई डोंट लाइक लेनोवो दैट। हां जब से लेनोवो मतलब उसके अंडर में आ गया है मोटोरोला, मोटोरोला वाज वेरी गुड व्हेन इट वाज अंडर गूगल बट ओके एज सून एज इट अंडर लेनोवो, जब से लेनोवो के अंडर में आया मतलब कहना चाहते हैं थोड़ी सर्विस बेकार ही होती है। हाँ ऐसे ही मुझे भी कुछ लग रहा है जैसे दोस्तों आप बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलो सर आपसे मेरे को मिलकर अच्छा लगा, ठीक है थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं, मतलब कैमरे के आगे आने से मना कर रहे हैं, और कुछ से मैंने पर्सनली पूछा तो कुछ कह रहे हैं काफ़ी अच्छी सर्विस मिली है, ठीक है कोई फोर्स में है तो कह रहा है मैं कैमरे के आगे आने सकता हूँ, और कुछ लोग कह रहे हैं मेरे को बहुत घटिया सर्विस मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि बेकार है बिल्कुल थर्ड क्लास सर्विस है इनकी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों होता है कि कुछ लोगों को सर्विस अच्छी मिल जाती है कुछ लोगों को नहीं मिलती है। तो देखिए ओवरऑल अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा एवरेज है इनकी सर्विस, मतलब काफ़ी अच्छी भी नहीं है, ठीक है गुड भी नहीं कह सकते एवरेज कह सकते हैं। जैसे कि अगर 5 में से स्टार देना हो तो 2.5 या 2 स्टार आप इन्हें दे सकते हैं सर्विस के मामले में। एक्चुअली कुछ लोगों का कहना है कि जब से लेनोवो के अंडर में मोटोरोला आ गया है तब से खराब हो गया है, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप समझ पाए होंगे इनकी सर्विस कैसी आपको मिलती है, मेरे हिसाब से तो मेरे को ठीक मिली है सर्विस। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरा मदरबोर्ड चेंज हुआ था, जरा फोन दिखा रहा हूँ, तो ये आप फ़ोन देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन इन्होंने ठीक कर दिया है, चार्जिंग की प्रॉब्लम थी मदरबोर्ड चेंज कराया इन्होंने। तो ओवरऑल मुझे तो सर्विस ठीक मिली है, लेकिन बहुत से लोग मैं जैसे बता रहा हूँ आपको यहाँ पे बहुत बेकार बोल रहे हैं, बहुत घटिया बोल रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छी मिली है। तो एवरेज मैं इसे कहूँगा, मतलब यहाँ की सर्विस सेंटर के बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इसे एवरेज पॉइंट दे सकता हूँ, तो 2 से 2.5 स्टार आप इसे दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आपसे वीडियो में, धन्यवाद।